अब्बा तो ख्वाब में आ जाते हैं, मम्मी के पास तो जाता ही हूँ, मम्मी है आते हैं, लेकिन मैं अब्बा की कब्र पर भी जाता हूँ। और कोई ऐसी भाई बगे, इसकी एक छोटी बेटी भी है। माँ बाप का कनेक्शन कैसा स्ट्रॉन्ग होता है, वो तो सबकी लाडली है ना। एक तो घर में गपशप करती है, थोड़ी अपने गेम्स वगैरह खेलती है, एक टाइम लगाती है। बाप बड़ा अंडर रेटेड प्लेयर है। वालिद को, वालिद की सैक्रिफाइसेस अपनी जगह होती है, बाप की अलग ही अपनी एक सैक्रिफाइसेस चल रही होती है। थैंक यू वेरी मच एजाज, थैंक यू फॉर शेयरिंग सच डीप अंदर अंदर की बातें हमारे साथ। क्या करना चाहोगे माँ के लिए अब? बस क्या दिल की ख्वाहिश है माँ के लिए? दिल की ख्वाहिश ये है कि सेहत रहे उनकी, अच्छी रहें, खुश रहें, जितना उनको जो प्लेजेंट मोमेंट्स हैं वो मिलते रहें। और जब जिसका वक्त भी आए ना, मैं ये कहता हूँ वो पीस में जाए, बजाय इसके कि बहुत कोई तकलीफ से ना जाए। बस एक ये होता है कि वो पीसफुल रहें हमेशा, और वो सेहत रहे, बीमारियों से ज़रा बची रहें, क्योंकि तकलीफ जो होती है ना वो देखना बड़ा मुश्किल होता है माँ बाप की। वो मुझसे मेरे लिए अब्बा जो है मेरे, वो भी माशाल्लाह ऑन एंड ऑफ बुढ़ापे की बीमारियां थी, लेकिन कोई मेजर ऐसी बड़ी बीमारी नहीं थी कि वो आके, बल्कि अब मुझे ये बोलते कि ये देखो ये सब कुछ खा रही होती है, मेरी अम्मी को बोलते हैं तो मैं तो परहेज करता हूँ। परेशानी में जाते हो अभी भी माँ के पास दुआ करवाने? मैं अम्मी के पास तो जाता ही हूँ, अम्मी है आते हैं, लेकिन मैं अब्बा की कब्र पर भी जाता हूँ। और कोई ऐसी परेशानी हो तो है, पहचान लेती है, कम्युनिकेट विद हिम, तुम्हारी चीज़ें पहचान लेती है वालदा दूर से ही, शक्ल से। हाँ, और अब्बा भी पता ही चल, ख्वाब में आ जाते हैं, अब आ जाते हैं। हाँ, और मेरी अम्मी के तो बहुत स्ट्रॉन्ग, वो इतनी क्लियर कम्युनिकेशन होती है, ख्वाब में आते हैं और वो बताते हैं कि जहाज ये पिछले दिनों की बात है, पता नहीं क्या चीज़ थी, तो उस पर कह रही थी क्या हुआ, मैंने कहा क्या हुआ, कहने लगी वो ख्वाब में आए थे अब्बा, कहते जहाज में कुछ बात कर, फिर एक मसला वो सर, मैंने कहा कुछ नहीं, सही है। यही तो मैं यही देखता हूँ कि माँ बाप का कनेक्शन कैसा स्ट्रॉन्ग होता है, कि आप वो चले भी गए हैं लेकिन उनको समझ आ रही होती है, ये ख्वाब में आ जाते हैं। बड़ी जाहिर है बाप की लॉस जो है वो एक बहुत बड़ा अलमिया है। क्या अगर कोई ऐसी चीज़ जो तुमने नहीं कही हो अपने वालिद को, जो तुम आज कहना चाहो उनको? बड़ी रिग्रेट्स होती है मेरी ज़िंदगी में भी हैं, सबकी ज़िंदगी। हाँ, क्या कहना चाहोगे अपने अब्बा को से? बस मैं यही जब भी दुआ करता हूँ या उनकी कब्र पे जाता हूँ तो यही कहता हूँ कि बस मैं शायद बहुत वक्त नहीं दे सका, वो रिग्रेट है, माफ़ कर दे। सो ये एक रिग्रेट है, वक्त जितना भी तो कम ही रह जाता है, फिर ये भी बात एक रिग्रेट है। लेकिन बस हम अपनी ज़िंदगियों में ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और वो। माशाल्लाह माँ तो आपकी, वालदा तो जिंदा है, वो भी प्रोग्राम देखेंगी, तो उनको क्या कहना चाहेंगे, वो भी कह दें आज? बस अम्मी से तो एक ही बात है कि वो जिस तरह दुआएं करती हैं देख के हमें खुश होती हैं, मुझे, बच्चों को, अपनी बेटियों को, मेरी बहनें जो हैं। सो बस इसी तरह रहें और सेहत से रहें, जब तक हैं हमारे सर पे बस दुआएं करती रहें, और वो इतने दिल से दुआ करती हैं, जैसी हैं बस वैसी रहें। एक आखिर में काम बहुत टाइम लगे, इसकी एक छोटी बेटी भी है 11 साल, उसके बारे में हमने बड़ी कम बात की है, उसके बारे में भी जाते जाते छोटा सा जिक्र करते जाओ। कैसा रिलेशनशिप है उसके साथ, आपकी वालदा का, आपका, उस बच्ची से? क्या एक जो बेटी है उसको कैसे देखे, क्या महसूस करते हो, भी बताओ। वो तो सबकी लाडली है ना, एक तो घर में मेरे अब्बा से भी उसकी, अब्बा उसके लिए चीज़ें मंगवा के देते थे, उसके बहाने से अपने लिए भी मंगवा लेते थे कि मैंने उसके लिए, वो कहती थी दादा अब ये तो नहीं खाना मुझे, वो कहते थे नहीं नहीं खाओ बहुत अच्छा है, फिर वो कुछ चीज़ें हैं वो अभी भी मंगवाती है, वो उसके लिए मंगवाते थे, वो उसको अच्छी लगती थी, आदत हो गई, कभी आइसक्रीम मंगवाते थे, जूस हैं एक दो वो फ्लेवर्स होते थे ना वो, तो वो बस सबसे उसकी बहुत अच्छी, वो तो घर का एक वो ऐसा है ना कि वालदा से भी बहुत ज़्यादा करीब है। हाँ, वो भी बैठी उनके साथ बैठती है शाम में, मैं बैठता हूँ वो भी आ जाती है, बैठती है वो और साथ उनके गपशप करती है, थोड़ी अपने गेम्स वगैरह खेलती है, एक टाइम लगाती है। फिर वो घर दूसरे मेरे दोनों बच्चों से बहुत
ज़्यादा उसका फ़र्क है इन द सेंस कि ये नई एज के बच्चे जो हैं वो उनका एक्सपोजर ज़रा डिफरेंट है। आखिर में मैं ज़रूर पूछूंगा तुमसे कि माँ की जो एक यूनिवर्सल एक इमेज है, हम जब अखबार मतलब पढ़ते हैं, किताबों को भी पढ़ते हैं, बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई हैं माँ की सब्जेक्ट के ऊपर। मैक्सिम गोर्की की मदर अगर आपने पढ़ी, आपके दिमाग में माँ का इमेज क्या है? मुझे लगता है कि माँ जो है ना एक वो बच्चों को बहुत ज़्यादा एक तो प्रोटेक्ट करती है हर माँ, और उसकी कोशिश ये होती है कि अपनी ज़िंदगी में बच्चों को अपने पाँव पे खड़ा कर दे, सक्सेसफुल बनाए और कामयाबी देख के खुश होती है। हर माँ जो है वो उसमें कैपेसिटी में नहीं भी होती चीज़ें, वो भी वो संभव करती है अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, वो हर माँ करती है। लेकिन हम इसके साथ साथ ना बाप बड़ा अंडर रेटेड प्लेयर है वालिद को, वालिद की सेक्रीफाइसेस अपनी जगह होती हैं। सो ये कॉम्बिनेशन होता है माँ और बाप का जो साथ चलता है। तो मुझे तो अपनी दोनों माँ बाप से बड़ा बैलेंस मिला है, तो मुझे लगता है दोनों का बहुत इक्वल रोल है। आप ये नहीं कह सकते कि माँ ने ज़्यादा किया या बाप ने ज़्यादा किया, दोनों, और हर फैमिली में ऐसा होता है, बाप को हाईलाइट ज़्यादा नहीं किया जाता लेकिन दोनों का रोल एक जैसा होता है। बाप की अलग ही अपनी एक सेक्रीफाइसेस चल रही होती है। थैंक यू वेरी मच एजाज, थैंक यू फॉर शेयरिंग सच डीप अंदर अंदर की बातें हमारे साथ। अल्लाह आपको खुश रखे, आपको आबाद रखे, और ये बड़ी आपका जो नया एस्पेक्ट लोगों के लिए आया होगा सामने के बाप और वालदा का, जो आपने पूरा एक हमें बताया अपना, और अल्लाह आपकी वालदा को सेहत दे। बस जिन जिन के वालदेन हैं, आमीन, कोशिश करें टाइम दिया करें ताकि बाद में फिर आप जब चले जाते हैं ना तो फिर वापस नहीं आएंगे कभी, ये आप सोचें कि वापस कभी नहीं आना, फिर वो मोमेंट निकल जाता है। ये तो है, लेकिन फिर हमने तो जाना है, हमने भी तो जाना, सब है, जाना है, तो क्या पता मिले क्या पता ना। ये तो हमने कभी, ये तो ईमान की अपनी अपनी बात है। आपने एजाज असलम की बातें सुनी, ये डिफरेंट एस्पेक्ट है इनकी पर्सनालिटी का। जाहिर है जब वालदा की बात करें तो एक अंदर का एक इंसान दिखाई देता है। आज हमारी ये ख्वाहिश थी कि आपको अंदर का एजाज असलम दिखाएं जो है ये अंदर से, ये सारी अदाकारियाँ, ये वो कारोबार, सक्सेस, हर चीज़ बेमायने हो जाती है ताकि माँ की दुआएं ना हो। तो आप सबसे इस उम्मीद के साथ कि माँओं का अपना ख्याल रखें, उनकी दुआएं आप तक जारी रहें।